एक सारस क्रेन वो रेस्क्यू की थे सेवर से, डीपीएस स्कूल के पास से। ये जो पीछे है इसके पैर में घाव है, खड़ा नहीं हो पा रहा। अब हमने यहाँ कोशिश तो की पर हमारे यहाँ पक्षियों का ज्यादा कुछ इलाज है नहीं, तो अब हम इसको लेके जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी और वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग को हम इसको दे देंगे। तो ये है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसे लोकल लोग घने के नाम से जानते हैं, और जो एक्चुअल नाम है वो है ये केवला देव राष्ट्र उद्यान। आओ कभी घूमने। तो ये घने का एंट्रेंस और ये कुछ जो केवला देव नेशनल पार्क है उसके अंदर का व्यू। पिछली बार भी हम आए थे ना, हम एक चमगादड़ को यहाँ छोड़ने आए थे। अब ये जो पक्षी जो बर्ड सेंचुरी में आते हैं इनमें हम रिस्क नहीं लेते, हम इनको सीधा ही यहाँ पे पहुँचा देते हैं। कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो हमको परेशानी ना हो। बर्ड सेंचुरी के अंदर की जगह जहाँ पे जनरली जो रेस्क्यू करके लाते हैं उन्हें इसके अंदर रखते हैं। बाय दोस्त, फिर मिलेंगे। जा रहे थे सेंटर की ओर वापस और रास्ते में देखा फिर हमें ये, मैंने कहा एक नज़ारा तो आपके लिए ही बनता है। आओ कभी केवला देव, ये केवला देव नेशनल पार्क घूमने, आपको भी नज़ारा देखने को मिलेंगे। ले बड़ी ओए ले। अभी हमारे पास एक कॉल आई है हेलक से, अलेना गांव से, जहाँ पे एक सांड का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। तो हम जा रहे हैं उसको रेस्क्यू करने और हमारे साथ है बाबूलाल जी और हमारे कैमरामैन शाश्वत। अलेना रोड उधर सांड है। अभी हम पहुंच गए हलेना जहाँ पे हमें रेस्क्यू करना था। ये गाड़ी और ये वो सारा जिसका एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ से फोन आया था कि बहुत तो ज्यादा चोट है इसके। ये वो लोग हैं जो हमारे हेल्प के लिए आए हैं और ये वो सांड। तो ये देख यहाँ पे, यहाँ पे कैसे ट्रक वारो देखो, ये कार रॉन्ग साइड आ रहा था इधर ऐसा लगता है कि शायद जिसका पैर है ना वो टूट गया है, क्योंकि ये लोगों को हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था। पट्टी खुलने के बाद जो है आइडिया लग पाएगा कि कितना घाव है और पैर टूटा है या नहीं टूटा। बाकी अभी सिर्फ एक अंदाजा, रफली अंदाजा है कि शायद पैर टूट गया है। इस बार हमारे पास लोगों का सपोर्ट था इसलिए इसे आसानी से रेस्क्यू कर पाए, वरना होता ये है कि हम जाते हैं पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता तो इसे उठाने में और गाड़ी तक अंदर लोड करने में बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये रहा वो लोकेशन जहाँ से हमने किया था रेस्क्यू और अब मिलते हैं इसके बाद आपको शेल्टर पे। वापस हम शेल्टर और ये वो अभी हम जा रहे हैं हंड्रा गांव, जो यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है, एक डॉग को रेस्क्यू करने।
और हम इतनी दूर जाते नहीं है, अब हम जा इसलिए रहे कि वहाँ पे एक भैया है जो उसके केयर टेकर है, वो काफी कोशिश कर रहे थे उसका इलाज करवाने के लिए पर वो पकड़ में नहीं आ रहा था और वो फिर पर्सनली शेल्टर आए, तो हम उनके साथ जा रहे हैं उसको रेस्क्यू करने। ये हमारे विजय भाई इक्विपमेंट लेते हुए, जल्दी से निकालो। ये है इसकी आँख पर छोटी, इसमें वो फैन मैगनेट पन पड़ गया, आँख तो लगभग खत्म हो गया, खत्म ही ये लो सर, हो गया रेस्क्यू। सर दो शब्द भैया कैसा रहा है? कैसा रहा भैया? भैया तुम्हारा कल लिंक भेजेंगे व्हाट्सएप पे, नंबर ले जाओगे अगली वीडियो में तुम्हें दिखेंगे। हाँ भैया वो तो जाएगा, पर आँख जो है इसकी डैमेज है तो शायद वो तो कुछ हो नहीं सकता इसका, आँख खत्म है ना पूरी तरह से, आँख में कुछ होता तो शायद कुछ कर जाते। इन्होंने हमें फोन किया था, ये हमारा एयरप्लेन नंबर और ये चले हम वापस सेल्टर की ओर। ठीक है भैया। मंडी और ये वो गाय है, यहाँ से फोन आया था। भैया किसने किया था फोन? ये भाई हैं जिन्होंने हमें फोन किया था इस गाय के लिए। चलिए क्या है, ठीक से आइडिया तो नहीं है पर हो सकता है इसने कुछ खा लिया हो जिसकी वजह से इसका पेट खराब है, अब इस पर और पेट के चलते इसको वीकनेस हो गई, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। बाकी रिस्पॉन्स तो आ रहा है बॉडी से या फिर ठंड लग गई है, यही दो रीजन हो सकते हैं मेनली। बाकी डॉक्टर्स वगैरह देखेंगे, वो अच्छे से बताएंगे क्या हुआ है। तो ये हो गया हमारा रेस्क्यू डन और ये चले हम वापस। कहाँ पे भैया? ठंड मार गई है, पापा अंदर गिर गई। ये भैया बता रहे हैं इसको ठंड मार गई थी, ये कहीं अंदर पानी वानी है वहाँ पे गिर गई थी। ये हमारे मालिक और ये चले हम वापस सेल्टर की ओर, इसके बाद मिलते हैं आपको सेल्टर। हमने इस सांड को रेस्क्यू किया हीरा दास से, इसके बहुत बड़ा मैगेट वाउंड है जो अभी ट्रीटमेंट कर रहा है और बहुत खतरनाक है, पूरा सेल्टर से तबाही मचा रखी है, पीछे से अभी का ट्रीटमेंट जा रही है, समझो महीना भर इसका इसमें टाइम लगेगा बिल्कुल ठीक होने। ये हमारे पास एक फ़ोन आया था रिपोर्ट रोड हमारे भरपूर लोकल से, हम वो बताते थे एक बंदा रख भैया बंदर का जी फोन लेना। पता
ये हो गया हमारा रेस्क्यू। ये हो गया हमारा रेस्क्यू डन। ये लोकेशन जो है रिको के आसपास आती है सेंको एरिया में। और ये चले हम वापस सेंटर की तरफ।